दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। देखिए, पहला क्वेश्चन है, ए बी और सी 550 रुपया के लिए एक कार्य की संविदा करते हैं। देखिए, संविदा मतलब कह जाएगा ठेका लेते हैं, कह सकते हैं कि ठेका लिए हैं, यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को करते हैं तो 550 रुपया लेंगे। करा है, ए तथा बी मिलकर कार्य का 7/11 भाग कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा रुपया में क्या होगा। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी तीनों मिलकर काम करता है तो कुल काम के बदले 550 रुपया मिलेगा, लेकिन ए और बी मिलकर 7/11 भाग ही काम किया, यानी हम लोग टोटल काम मानते हैं कितना 1, तो कुल कार्य होता है 1, जिसमें ए और बी मिलकर 7/11 भाग कर लिया, तो इस 7/11 भाग का शेष कितना बचेगा, इसका शेष निकालिएगा ने, यानी एक काम में से 7/11 भाग घटाइएगा तो कितना बचेगा 4/11। तो शेष काम जो बचा है ये कौन किया होगा, ये सी किया होगा, यानी सी कितना काम किया है 4/11 भाग, यानी सी कितना काम करेगा 4/11 भाग। तो देखिए, याद रखिएगा कि जो व्यक्ति जितना भाग काम करता है कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा, यानी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, यहाँ से सी का हिस्सा जो होगा वो कुल मजदूरी का कितना भाग 4/11 भाग। तो कुल मजदूरी है 550, यानी काम के बदले कितना मिलेगा टोटल 550, इसमें सी का भाग कितना है 4/11, तो 4/11 से गुना करेंगे, ये कटिएगा तो 50 कट जाएगा, यानी 50 × 4 कितना हो जाएगा 200 रुपया, यानी इसमें सी को कितना मिलेगा तो 200 रुपया मिलेगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी नंबर। देखिए, क्वेश्चन को समझिए, करा था ए बी सी तीनों मिलकर काम करता है तो काम के बदले 550 रुपया मिलेगा, ए बी मिलकर 7/11 भाग काम करता है तो ए और बी कुल काम का 7/11 भाग काम कर लिया तो शेष काम कितना चाहिए 4/11, और कौन क्या होगा सी, तो सी शेष काम 4/11 भाग, तो पैसा भी कितना लेगा 4/11 भाग, यानी कुल काम का 4/11 भाग पैसा लेगा, तो कुल काम था 1 का 4/11 भाग सी किया, यानी 4/11 भाग पैसा भी लेगा, तो कुल काम के बदले 550 रुपया, तो 550 का कितना 4/11 भाग, यानी 200 रुपया कौन लेगा सी। जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा, ठीक है, कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा, तो सी 4/11 भाग, तो सी का मजदूरी भी कितना 4/11, तो कुल रुपया कितना 550, उसका 4/11 200 रुपया सी का हिस्सा हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, ए अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा करता है जो बी अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए अकेला काम करता है तो एक काम को 10 दिन में करता है और बी अकेला काम करता है तो उस काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा करते हैं तो 3000 रुपये के कुल वेतन में ए को मिलेगा, यानी अगर दोनों मिलकर काम करता है तो कुल कार्य के बदले 3000 रुपये मिलेगा, तो 3000 में ए का हिस्सा कितना होगा, यानी ए को कितना मिलेगा। तो देखिए, इसको बांटेंगे कि ए और बी, तो ए और बी का समय कितना है 10 और 15, यानी ए 10 दिन लेता है तो बी कितना 15 दिन, तो ये क्या आया समय का रेशियो, ये समय का रेशियो, इसको काटिएगा तो कितना जाएगा 2×5=10 और 5×3=15, 2:3 के रेशियो में, यानी समय का रेशियो कितना 2:3, और कल बताए थे कि समय के रेशियो का रिवर्स रेशियो क्या होता है क्षमता का रेशियो, पार्ट 2 का वीडियो में क्षमता वाला क्वेश्चन बताए थे कि समय के रेशियो का रिवर्स रेशियो क्षमता का रेशियो और क्षमता के रेशियो का रिवर्स रेशियो समय का रेशियो, तो 2:3 समय है तो इसका क्षमता कितना जाएगा 3:2। देखिए, रुपया को बांटने के लिए एक तो भाग पर बांट सकते हैं कि जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा, अगर भाग में ना आए अगर क्षमता में आ जाए तो क्षमता पर भी बांटा जाता है, यानी जो व्यक्ति का जितना क्षमता रहेगा उतना ही रुपया लेगा, यानी जितना अधिक क्षमता उतना ही अधिक रुपया लेगा, जितना जिसका क्षमता कम होगा वह उतना ही रुपया कम लेगा। तो अब जो है मजदूरी किस पर बांटेंगे, क्षमता पर, बताइए दोनों मिलाकर कितना क्षमता 5:5, तो दोनों मिलाकर कुल मजदूरी कितना लिया है 3000, दोनों मिलाकर कुल मजदूरी कितना लेगा 3000, तो 1:1 कितना हो जाएगा 600,
अनुपात एक बराबर 600 तो अनुपात तीन बराबर कितना होगा 3600, अनुपात दो बराबर कितना होगा 6 × 2 = 1200, यानी ए को कितना मजदूरी मिलेगा 1800 और बी को कितना मजदूरी मिलेगा 1200। तो किसका पूछा, ए का, तो ए को कितना मिलेगा 1800, ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए, ए को मिलेगा 1800, बी को मिलेगा 1200। देखिए अगर समय दिया रहे सभी का तो समय का रेशियो में लाएंगे, और समय के रेशियो का रिवर्स रेशियो करेंगे तो क्षमता का रेशियो, और क्षमता के रेशियो को बांट लेंगे रुपया में, यानी टोटल अनुपात में 5 क्षमता लेंगे रुपया में कितना 3000, तो एक बराबर कितना 600, तो 3 बराबर कितना 1800, तो 2 बराबर कितना 1200, यानी ए को 1800 पे मिलेगा तो बी को 1200 मिलेगा। आइए तीसरा नंबर, पी क्यू आर ने एक कार्य को 48000 रुपया में लिया, यानी पी क्यू आर तीन आदमी है, पी क्यू आर वो तीनों मिलकर काम करता है तो तीनों को मिलाकर कितना मिलेगा 48000, यानी कुल कार्य के बदले कितना रुपया मिलेगा 48000। ये क्या है, टोटल काम के बदले मजदूरी। पी तथा क्यू ने मिलकर कार्य का 5/12 भाग किया, देखिए पी और क्यू मिलकर 5/12 भाग, तो 5/12 भाग कर लिया तो शेष मजदूरी शेष भाग कितना बचा होगा, यानी शेष कितना बचेगा, इसका शेष निकालिएगा तो कितना 12 में से 5 जाएगा 7, और बटा में जो कहते हैं 7/12 भाग, इस 7/12 भाग शेष बचा है कौन किया होगा, तो आर ने किया होगा, कौन आर, यानी 5/12 भाग पी और क्यू मिलकर कार्य कर लिया, यानी पी और क्यू मिलकर कुल कार्य का 5/12 भाग कर लिया तो शेष भाग 7/12 भाग कौन किया होगा आर, बोले 7/12 भाग आर करेगा तो आर का मजदूरी कितना हो जाएगा, तो आर का मजदूरी भी होगा 7/12 भाग, यानी 48000 का 7/12 भाग, जो व्यक्ति जितना काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग पैसा लेगा, यानी कितना हो जाएगा 28000, 28000 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन जाएगा बी नंबर। देखिए यहाँ पर एगो जीरो छूट गया है, सब में का वो जीरो छूट गया है, यानी ऑप्शन बी जाएगा यहाँ से 28000, यहाँ 48000 हो गया है, अगर 4800 रहता तो यहाँ 2800 आता, 48000 है तो यहाँ कितना 28000 आएगा, यानी आर की मजदूरी कितना होगा 28000। कैसे लाए हैं, तो भाग पर पी और क्यू मिलकर कार्य का कितना भाग 5/12 भाग, तो आर कितना, तो शेष कितना 5/12 का शेष कितना 7/12, तो 7/12 भाग शेष, तो शेष काम जो कर रहा है आर, तो मजदूरी भी कितना लेगा 48000 का 7/12 भाग, यानी 28000। सुमन एक कार्य को 3 दिन में करती है और सुमित उसे 2 दिन में कर सकता है, देखिए दोनों का समय मालूम है, किसका किसका, सुमन और सुमित, तो लिखिए सुमन और सुमित, सुमित कितना के रेशियो में समय है, तो समय का रेशियो निकालेगा, तो सुमन का समय है 3 दिन, तो सुमित का कितना 2, अब बताइए समय का रेशियो, तो इसको क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, क्षमता में बांटेंगे ना, तो क्षमता का रेशियो, तो समय के रेशियो का रिवर्स रेशियो क्षमता का रेशियो, यानी 2:3 उलट देंगे, और दोनों मिलकर क्षमता कितना 5, लेकिन दोनों मिलकर रुपया में कितना 150, अनुपात 1:30, तो 1:30, तो 2:60, और 3:90, यानी सुमन को मिलेगा 60 रुपया, तो सुमित को मिलेगा 90 रुपया, तो किसका पूछा है, सुमन का हिस्सा क्या है, तो सुमन का हिस्सा करना है 60 रुपया, यानी ऑप्शन कौन जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए, यानी यहाँ पर दोनों का समय मालूम था तो क्षमता के अनुपात में बांट लेंगे पैसा, यानी क्षमता के आधार पर क्वेश्चन है, यानी क्षमता दिया, अगर क्षमता मालूम रह जाए तो क्षमता में बांट लेंगे। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर है, राहुल और रवि ने 9000 रुपया के लिए कार्य के एक भाग को करना शुरू किया, यानी राहुल और रवि शुरू किया एक काम करने के लिए, जब राहुल और रवि काम को खत्म कर लेता तो उसको काम के लिए कितना मिलता 9000 रुपया मिलता, यानी कुल कार्य के बदले कुल रुपया कितना मिलेगा 9000। अब देखिए राहुल अकेले कार्य को 16 दिन में कर सकता है, यानी राहुल अकेले 16 दिन में, और रवि 24 दिनों में कर सकता है, राहुल का समय और रवि का समय मालूम है, करा है कमलेश की सहायता के साथ ये कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, यानी अब कमलेश भी आ जाए तो कमलेश अगर सहायता करने लगे दोनों को तो 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो कमलेश को कितने रुपए देने चाहिए, यानी कमलेश को कितना मिलेगा, तो लगाइए देखिए
राहुल 16 दिन में काम कर सकता है और रवि 24 दिन में, और कमलेश के सहायता से 8 दिन में काम समाप्त हो जाता है। इसका मतलब राहुल 8 दिन तक काम किया होगा और रवि भी 8 दिन तक काम किया होगा। तो देखते हैं दोनों मिलकर 8 दिन में कितना काम कर लिया, कौन कौन, राहुल और रवि। राहुल और रवि मिलकर, राहुल और रवि मिलकर 8 दिन में कितना भाग काम करता है, 8 दिन में। तो बताइए ये राहुल एक दिन में 1/16 भाग, तो 8 दिन में कितना भाग, 8/16 भाग। और रवि पूरा काम को 24 दिन में, तो एक दिन में 1/24 भाग, तो 8 दिन में कितना भाग, 8/24 भाग। देखिए इसको काटिएगा, 8 + 24 और 8 × 16, तो 3 × 2 = 5, 5/6 भाग। यानी 5/6 भाग राहुल और रवि मिलकर काम कर लिया कितना दिन में, 8 दिन में। बताइए कुल कार्य का 5/6 भाग राहुल और रवि 5/6 भाग कर लिया, तो शेष कितना बचा होगा, तो शेष निकालिएगा तो 5/6 का शेष कितना हो जाएगा, 1/6 भाग। ये कौन किया होगा, तो ये कौन काम किया होगा, तो कमलेश काम किया होगा। शेष काम कौन करेगा, कमलेश किया। तो कमलेश 1/6 भाग काम किया, तो पैसा भी कितना लेगा, 1/6 भाग। 9000 का 1/6 निकालिएगा कितना हो जाएगा, 15×6 = 90, 15×00, यानी 1500 रुपया लेगा कमलेश, 1500 रुपया लेगा कमलेश। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी। देखिए एक बार फिर समझिए कि राहुल और रवि को सहायता करने आता है कमलेश, जो 8 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं राहुल और रवि 8 दिन में कितना भाग काम कर लिया होगा, 8/16 और 8/24, यानी 5/6 भाग। यानी राहुल और रवि 8 दिन में 5/6 भाग काम करता है, तो शेष काम 1/6 भाग कौन किया होगा, कमलेश। तो अभी बताए थे कि जो जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा, तो 1/6 भाग मजदूरी लेगा कितना, 9000 का 1/6 कितना, 1500 लेगा कमलेश। अगर राहुल का पूछता तो राहुल का हिस्सा कितना, तो देखिए राहुल काम कितना किया, 8/16 यानी कितना, 1/2, 1/2 भाग, यानी 9000 का 1/2 करेंगे तो कितना, 4500। अगर रवि का पूछेगा तो रवि काम कितना किया है, 8/24 यानी 1/3, 1/3 निकालेंगे इसका, यानी 3000, 4500 और 1500 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9000। आइए छठा नंबर क्वेश्चन करा, ए बी सी मिलकर 529 रुपया में काम करता है, यानी ए बी सी तीनों मिलकर काम करता है एक काम को, तो उसके लिए कितना मिलेगा, 529 रुपया मिलेगा। यानी कुल कार्य के बदले कुल रुपया कितना मिलेगा, 529। ए एवं बी मिलकर 19/23 भाग काम करते हैं, ए और बी मिलकर 19/23 भाग, तथा बी एवं सी मिलकर 8/23 भाग, और बी एवं सी मिलकर 8/23 भाग। देखिए बी और सी मिलकर कितना, 8/23 भाग। अब देखिए तो कह रहा है ए का हिस्सा ज्ञात करें, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ए काम कितना करेगा, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी मिलकर पूरा काम करता है तो 529 रुपया मिलेगा। तो ए बी सी मिलकर कितना काम करेगा, एक काम करेगा, तो अगर ए बी सी एक काम, तो एक काम में से 8/23 भाग बी और सी, तो शेष काम कितना, इसका शेष निकालिएगा तो 15/23 भाग। ये कौन किया होगा, तो 15/23 भाग एक करेगा, 15/23 भाग, तो निकालिए 15/23 भाग एक काम करेगा, तो पैसा भी लेगा 15/23 भाग, तो ए का हिस्सा 529 का 15/23 भाग। ये 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, 23 गुने 15 कर लेंगे तो 15 × 3 = 45 के 5 × 4, 15 × 3 = 4 = 34, यानी 345 रुपया, 345 रुपया किसको मिलेगा, ए को, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, सी नंबर, ऑप्शन सी। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, ए बी सी तीनों मिलकर एक काम करता है तो 529 रुपया मिलेगा, ए एवं बी मिलकर 19/23 भाग काम करेगा। देखिए ए और बी मिलकर 19/23, तो शेष यहां से निकालेगा तो 4/23 कौन काम करेगा, सी काम किया होगा। हमको सी से कोई मतलब नहीं, हमको किसका मतलब, ए का पूछा। तो यहां देखिए बी और सी मिलकर 8/23, तो बी और सी मिलकर 8/23, तो 8/23 का शेष कितना, 15/23, 15/23 शेष काम कौन किया होगा, ए किया होगा, कहा कि तीनों मिलकर एक काम,
बी और सी का पता है, तो ए का कितना 15/38, जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग पैसा लेगा, तो 529 का 15/38 भाग 345 रुपया कौन लेगा, सी। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पी क्यू आर को एक काम को 5750 रुपये में करने के लिए नियुक्त किया गया। देखिए पी क्यू आर तीनों मिलकर काम करता है तो एक काम के बदले 5750 मिलेगा। पी तथा क्यू ने मिलकर 19/23 भाग काम किया। देखिए पी और क्यू मिलकर 19/23 भाग काम किया, 19/23 भाग, तो बताइए 19/23 भाग काम कर लिया पी और क्यू, तो बताइए आर कितना किया होगा। हम लोग यहाँ कह रहे हैं कि पी क्यू और आर तीनों मिलकर कितना काम, एक काम। पी क्यू आर तीनों मिलकर कितना काम, एक काम, तो बताइए तीनों मिलकर एक काम, जिसमें पी और क्यू 19/23, तो आर कितना हो जाएगा 4/23, 4/23। अब यहां देखिए पी क्यू तथा आर ने मिलकर 8/23 भाग, क्यू और आर ने मिलकर 8/23 भाग, 8/23 भाग, लेकिन आर क्या करना 4/23, तो इसमें से आर का मान घटेगा ना, तो क्यू कितना हो जाएगा, तो 8/23 माइनस 4/23, तो कितना जाएगा 4/23, यानी 4/23 भाग कौन किया, क्यू किया, क्यू काम कितना किया 4/23, बताइए काम क्यू किया है 4/23 भाग, तो मजदूरी भी कितना लेगा 4/23 भाग, तो निकालिए क्यू का मजदूरी कितना हो जाएगा, तो 5750 टोटल काम के बदले टोटल रुपया, लेकिन 4/23 भाग, तो 5750 का 4/23 भाग कितना, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 250 मिनट, 250 5750 में 23 से भागा 250, 250 गुणे 4 की जगह तो कितना जाएगा 1000, यानी 1000 रुपया किसको मिलता है, ए को मिलता है, ये ऑप्शन ए जाएगा, नहीं ए को नहीं, किसको, क्यू को, ऑप्शन ए, यानी क्यू को कितना मिलेगा 1000 रुपया, ऑप्शन ए आंसर। आइए आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर है, रमन एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, जतिन उसी काम को 7 दिन में कर सकता है, तथा सचिन उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। देखिए रमन जतिन और सचिन का समय मालूम है, यदि वह उस कार्य को साथ में करते हैं जिसके लिए उन्हें 2860 रुपया दिए जाते हैं, तो रमन का हिस्सा कितना होगा, यानी कह रहा है रमन जतिन और सचिन तीनों मिलकर पूरा काम कर दे तो पूरा काम के बदले उसके कितना मिलेगा 2860, यानी तीनों को मिलाकर 2860 रुपया दिया जाएगा, तो रमन का हिस्सा कितना है, तो निकालिए रमन जतिन और सचिन ये तीनों का समय, तीनों का समय, तो रमन का समय है 5, जतिन का समय है 7 और सचिन का समय है 9, तो रेशियो में लाइएगा तो कितना जाएगा 5:7:9, बताइए समय के रेशियो का रिवर्स रेशियो क्या हो जाएगा, क्षमता का रेशियो, क्या हो जाएगा क्षमता का रेशियो, तो क्षमता का रेशियो लाइए ये हो जाएगा उल्टा 1/5, 1/5, 1/7, 1/9। देखिए रेशियो और लाने के लिए अब ऊपर में 1:1 है तो रेशियो बताए थे कि अगर ऊपर में 1:1 रहे तो इसको रेशियो में लिखने का तरीका क्या होता है, झाप करके, यानी इसको झाप दीजिएगा तो 7×9 कितना जाएगा 63, फिर इसको झाप दीजिएगा तो 5×9 कितना जाएगा 45, फिर इसको झाप दीजिएगा तो ये 7×5=35, यानी ऊपर में 1:1 रह जाए तो इसको झाप करके बनाया जाता है, आर का क्षमता निकालना है तो आर वाला को झाप दीजिए और बाकी को गुना करके नीचे लिख देंगे, जतिन को निकालना है तो जतिन वाला को झाप दीजिए तो और बाकी को गुना कीजिए तो 5×9=45, और अगर सचिन वाला को निकालना है तो सचिन वाला को झाप दीजिए तो बचेगा 5×7=35। अब देखिये क्षमता का रेशियो इतना आया तो यही रेशियो में मजदूरी भी बांटेगा, बताइए कुल क्षमता यहाँ से कितना हो जाएगा, तो कुल क्षमता सबको जोड़िए 5×5=10, 13 × 6×10=13, 1×14 अनुपात में कितना टोटल 143, लेकिन रुपया में टोटल कितना 2860, बताइए अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर, तो 143×2 कीजिए 286, यानी 20 रुपये कटेगा, 20 रुपया, तो अनुपात 1:20, तो अनुपात 63 बराबर कितना हो जाएगा, तो 63×2 कीजिएगा ना तो हो जाएगा 1260।
अनुपात 45,000 करना 45 × 90 यानी 900 और 35,000 करना 35 × 70 यानी 700। देखिए रमन को मिलेगा 1260 रुपया, जतिन को मिलेगा 900 रुपया और सचिन को मिलेगा 700 रुपया। सबको जोड़िएगा तीनों को मिलाकर तो 2860 रुपया हो जाएगा। तो क्षमता अगर तीनों का समय मालूम रहे तो उसको क्षमता में लाइए और टोटल क्षमता बराबर टोटल रुपया तो अनुपात 1:20। तो 63/1260, 45/900 और 35:700। रमन को कितना मिलेगा 1260, ऑप्शन बी जाएगा, ऑप्शन बी। अगर पूछता है जतिन को कितना मिलेगा तो 900 रुपया, अगर पूछेगा सचिन को कितना मिलेगा तो 700 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से बना लेते हैं। यानी इस टाइप क्वेश्चन में क्षमता पर निकालिए, क्षमता पर बांटिए पैसा या तो भाग पर। अगर तीनों का या दो का समय मालूम है तो उसको क्षमता में कन्वर्ट करके क्षमता टोटल टोटल रुपया इसके हिसाब से पैसा बांट लेंगे, या भाग पर जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग पैसा लेगा। ये दो तरह के पैसा बांट सकते हैं, दो तरह से। थैंक यू, धन्यवाद।